हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग कैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से अपने फोटो का बैकग्राउंड को इरेज करके कैसे आप लोग बैकग्राउंड अलग लगा सकते हैं अपने फोटो में, यानी कि आप लोग बैकग्राउंड को कैसे चेंज करके अपने फोटो में कोई सा भी बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आप लोग को यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होता है। आप लोग का पिक्सआर्ट एप्लीकेशन प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को जिस बैकग्राउंड को लेना है यानी कि PNG को आप लोग डाउनलोड करे हुए होंगे। तो आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके PNG को डाउनलोड कर लें और यहाँ PNG को ऐड कर लेना है। यहाँ आप लोग बैकग्राउंड को, उसके बाद आप लोग को ऐड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से जिस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे आप लोग को, उस वाले फोटो को आप लोग को यहाँ से गैलरी से ले आना है फ्रेंड्स। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग को यहाँ से फोटो को ले लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोग इसको फोटो को एडजस्ट कर लेना है अपने फोटो के हिसाब से। आप लोग कैसा बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं, आप लोग बैकग्राउंड जैसा अपने फोटो के हिसाब से सेट करेंगे, छोटा या बड़ा फोटो को अपने हिसाब से सेट कर लेना फ्रेंड्स। तो मैं ये इतना बड़ा रख लिया फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ से, आप लोग को अगर तकलीफ होगी फ़ोटो रूम अप करने का तो आप लोग फ़ोटो रूम एप्लीकेशन से भी रूम अप कर सकते हैं। तो आप लोग को दिखा दिए हैं और यहाँ से आप लोग इसको फ़ोटो रूम अप इसको उड़ा लेना है आप लोग को यहाँ से। सो हेलो गाइस, आप लोग को यहाँ से हल्का हल्का रूम अप कर देना है, हल्का हल्का एकदम, आप लोग की पता ना चले बैकग्राउंड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को डन कर देना है और इसको एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा अभी। तो एडजस्ट, थोड़ा सा एडजस्ट हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग का फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग को इस फोटो में लाइट देना है, तो लाइट में एप्लीकेशन में आप लोग को इस फोटो को ले जाना पड़ेगा। तो इस फोटो को कर लेते हैं सेव। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी टू सेव कर लिए हैं। अब इस फोटो को आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन में एक प्रीसेट मिलेगा, उस प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से एक क्लिक में आप लोग कैसे लाइट में इस फोटो को ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस फोटो को शेयर कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर चुके हैं फ्रेंड्स। लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद ऑल फोटो पे क्लिक करना है आप लोग को और ये वाला प्रीसेट मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 डॉट के ऑप्शन पे करना है, इस प्रीसेट के 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक, कॉपी कर लेना है यहाँ से आप लोग को। तो जिस फोटो पे लाइट लाना है इस पर भी 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक क्लिक में